वाओ दिस इज सो प्रिटी। भैया ये पेंटिंग कितने की है? 18,000 की पेंटिंग है मैम। हमारा पेंटिंग 200 से स्टार्ट होती है, 3.5 लाख तक बनती है। 3.5 लाख, वाओ। मैं पहुंची हूँ उड़ीसा के एक छोटे से गांव में जहाँ सिर्फ पट्टचित्र पेंटर्स ही रहते हैं और इनके घर भी कलरफुल पेंटिंग्स और म्यूरल से भरे होते हैं। दिस इज द हेरिटेज विलेज ऑफ रघुराजपुर इन उड़ीसा। वेलकम टू रघुराजपुर। मॉर्निंग फ्रॉम ओडिशा। एक नया दिन और एक नया सफर। I'm on a 15 days long road trip chasing the best kept secrets that Odisha has to offer. Watch the previous episode to know how I got here. फिलहाल ये मेरा तीसरा दिन है और मैं जा रही हूँ from भुवनेश्वर to पुरी, जो इंडिया की होलीएस्ट ऑफ द होली सिटी मानी जाती है एंड इट्स फेमस फॉर इट्स आइकॉनिक जगन्नाथ टेम्पल। 2 घंटे का रास्ता है एंड रोड भी काफी स्मूथ है। But before I head to Puri, I'm going to make a stopover at Raghurajpur. ये एक पूरा का पूरा आर्ट विलेज है जहाँ पे सभी रहने वाले लोग आर्टिस्ट हैं। मैं ये ऐसा कुछ पहली बार सुन रही हूँ, so I'm sure by the end of it, I'm definitely going to say I love my Odisha. ये है रघुराजपुर, an ancient artistry village जहाँ पे मैक्सिमम रहने वाले लोग पट्टचित्र पेंटर्स ही हैं। यहाँ का आर्ट फॉर्म सदियों पुराना है और यहाँ पे पेंटिंग्स भी सिर्फ ओडिशा में ही बनती है। And what I love the most about this village are the people. They are so warm. और इनके घर, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतने कलरफुल पट्टचित्र पेंटिंग्स, म्यूरल्स और क्राफ्ट से भरे हैं। अभी पट्टचित्र एग्जैक्टली होता क्या है, लेट्स गो फाइंड आउट। हमारा पट्टचित्र पेंटिंग जो पेंटिंग होती है वो तो हैंडमेड कैनवास, जो इसका नाम होता है पटा, और कलर होती है 5 नेचुरल कलर्स। पट्टचित्र पेंटिंग ओनली फॉर उड़ीसा, जैसे कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग पेंटिंग होती है। इसमें उड़ीसा का हमारा ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है उड़ीसी स्टाइल, जो हाथ पैर फेस वगैरह वो कपड़ा का स्टाइल, ये सब उड़ीसी स्टाइल ही बनती है। इसको लेके आजकल हम न्यू न्यू डिजाइन बनाते हूँ, जैसे कि केटली बॉकेट एल्यूमिनियम बॉटल का ऊपर, ये सब डिजाइन बनती है पेंटिंग्स। तो वाकई में ये पेंटिंग्स की खासियत यहाँ के कारीगर के हाथों में होती है। लेट मी टेल यू दैट दिस आर्ट फॉर्म इज द मेन लाइवलीहुड ऑफ दिस विलेज एंड इट्स नॉट प्रमोटेड इनफ। तो अगर आप पूरी जा रहे हो तो रास्ते में रघुराजपुर आना मत भूलना। ड्राइव के बाद मैं पहुंच गई हूं पुरी और शुरुआत कर रही हूं जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन के साथ। आई डोंट हैव टू से अ लॉट अबाउट दिस टेंपल बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक टेंपल्स। लाखों लोग यहां पे रोज आते हैं दुनिया भर से आशीर्वाद लेने। अभी यहां पे शूटिंग की परमिशन इतनी जल्दी नहीं दी जाती है तो मुझे आप लोगों को यहां पे रुकाना पड़ेगा सो दैट आई कैन गो इनसाइड एंड सी सम ब्लेसिंग्स। Another must-visit place in Puri, जो बहुत लोगों को शायद ना पता हो, वो है पुरी का गोल्डन बीच, which was given the blue flag certification and was officially ranked as India's cleanest beach. और मैंने पहली बार इंडिया में इतना सुंदर और क्लीन बीच देखा है। मुझे इतना मजा आ रहा था कि कभी वक्त चला गया पता ही नहीं चला। After a day full of exploration and a fun-filled time at the beach, I need to freshen up. So I'm going to check myself into Sterling Puri and I've been told that I've been given a sea view room. I'm quite excited to check it out, so let's go. As you've seen, Puri is a beautiful coastal town. So if you love the cool and breezy beach vibes, then I recommend you stay somewhere near the beach. As for me, my room comes with a gorgeous balcony facing the blue sea.
मतलब सनसेट और सनराइज का सुकून तो मुझे यहीं पे मिला। उड़ीसा की कल्चरल हिस्ट्री उसके क्लासिकल डांस और म्यूजिक को इंस्पायर करती है। अमंगस्ट द मेनी डांस फॉर्म्स, द उड़ीसी एंड गोटीपुआ डांस आर द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इन गोटीपुआ डांस, मेन ड्रेस अप एज वुमेन एंड डिस्प्ले द आर्ट ऑफ गोटीपुआ टू इम्प्रेस लॉर्ड जगन्नाथ। इट इज बेसिकली एन एक्रोबैटिक स्टाइल ऑफ डांसिंग बाय द यंग बॉयज। एंड उड़ीसी डांस इज फेमस फॉर इट्स ब्राइट कॉस्ट्यूम्स एंड एक्सप्रेशंस दैट डांसर्स डिस्प्ले ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंस। The sight itself is captivating enough, just like the dance form. Oh my God, ये सब इतना अच्छा लग रहा है that I don't feel like spoiling the presentation. This is exactly what I needed after a long day, a table full of mouth-watering local delicacies. Well, I'm going to call it a night, but you don't go anywhere because I'm going to be taking you on an even more interesting and amazing experience. Let's dig in for now. After a night in Puri, next morning we made our way to the small town of Satpada, which is 50 kilometers from Puri. Odia mein Sata means seven or Pada means village. So the name Satpada means a group of seven villages. It is located on the southern part of Chilka Lake aur ye lake apne Irrawaddy dolphins ke liye bahut hi mashhoor hai. And like most people, we're also here for some dolphin spotting. तो ये है सतपड़ा डॉल्फिन सेंटर जो पूरी से लगभग एक घंटे दूर है। जब आप यहाँ पे पहुँचते हो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने घंटे की राइड चाहिए, बी इट 1 hour, 1.5 hours or 3 hours। और यहाँ पे बुकिंग करने के भी दो तरीके हैं, वन विच इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी OTDC एंड द सेकेंड वन इज प्राइवेट ऑपरेटर्स जिसके चार्जेस स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 1,000 rupees एंड गो ऑल द वे अप टू 2,000 to 3,000 rupees डिपेंडिंग ऑन योर राइड टाइम एंड द काइंड ऑफ बोट यू चूज एज वेल, शेयरिंग और प्राइवेट। और ये है हमारी प्राइवेट 8-seater बोट बाय OTDC। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप वी आर एबल टू कैच सम डॉल्फिन्स। लेट्स गो। भैया अभी और कितना टाइम, डॉल्फिन्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ओहो, कहते हैं अगर आप यहाँ पे डॉल्फिन स्पॉट कर पाते हो ना तो आप बहुत ही लकी हो। पूरे उड़ीसा में सतपड़ा ही एक जगह है जहाँ पे डॉल्फिन स्पॉटिंग होती है। एंड राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ चिल्का लेक एक्सप्लोरिंग उड़ीसा ओनली ऑन आई लव माय उड़ीसा। Chilka Lake is Asia's largest brackish water lake that sprawls along the east coast of India. It is considered to be one of the largest lagoons in India and counted amongst the largest lagoons in the world as well. Or I guess aaj hamara lucky day tha as we got a peeking spot of the dolphins as well. चाहे पुरी का खूबसूरत और होली बीच टाउन हो या सतपड़ा के डॉल्फिन्स, उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिले। अभी ये तो था सेकंड एपिसोड, आगे आगे देखो उड़ीसा के अलग अलग रंग। दिस इज मी बियांका सौराष्ट्री एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद येट अनदर एक्साइटिंग वीडियो कमिंग अप ऑन कोणार्क एंड गोपालपुर ओनली ऑन आई लव माई उड़ीसा।